Good morning, student. Welcome to the e-learning class. This is Jala Gupta. I'm your science teacher. Class 6, subject science, chapter 5, separation of substances. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? Separation of substances के बारे में पढ़ेंगे कि separation of substances क्या होता है. आपने अपनी daily life में देखा होगा, like आपके घर में जब चाय बनती है तो हम क्या करते हैं, जो टी लीव्स होती है उसको हम लिक्विड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर से. तो क्या होता है, जो टी लीव्स है वो हमारी नॉन यूजफुल है और जो लिक्विड है वो हमारा यूजफुल कॉम्पोनेंट है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट को यूजफुल कॉम्पोनेंट से अलग कर दिया और जो नॉन यूजफुल है उसको हमने थ्रो कर दिया एंड जो यूजफुल कॉम्पोनेंट है उसको हमने यूज कर लिया. तो इसलिए हमें सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन जरूरी है. और सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन इसलिए भी जरूरी है, सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन इसलिए भी जरूरी है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक चीज से दो प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं. लाइक कर्ड से हम मक्खन भी निकाल सकते हैं और मट्ठा भी निकाल सकते हैं. कैसे, जब हम कर्ड को चर्न करते हैं तो क्या होता है, हमें मट्ठा भी मिल जाता है और मक्खन भी मिल जाता है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे दोनों ही यूजफुल कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक, यहाँ पे हम दोनों को ही यूज कर सकते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट वे से. तो सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, पहले तो ये क्या करता है, नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट को यूजफुल कॉम्पोनेंट से सेपरेट करता है और ये दो यूजफुल कॉम्पोनेंट भी हमें दे देता है किसी एक सब्सटेंस से. लाइक एक प्रोडक्ट से हमें दो यूजफुल प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं. तो सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में. और जो नॉन कुछ चीज जो नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट है जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं अपने फूड में से. लाइक चावल को अगर हम स्टोन के साथ बना के खा लेंगे तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी को हार्म करेगा ना. तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोन को जब सेपरेट कर देते हैं देन चावल को हम बनाते हैं ताकि क्या हो, हमें सेफ और सेफ यूजफुल कॉम्पोनेंट मिले. तो चलिए अब हम अपना देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन कि किस किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है उसके. हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. सो नाउ सो आवर फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ हैंड पिकिंग. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इंप्यूरिटीज लाइक द पीसेस of dirt, stone and a husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. So hand picking क्या होता है, hand picking के through हम ऐसे impurities को separate कर सकते हैं जिसका size क्या हो, वो थोड़ा बड़ा हो, जो हमें दिखाई दे, easily हम उसे देख सके और उसको हम separate कर सके. आप जैसे example देख सकते हो यहाँ पे, like हम husk particles को, स्टोन्स को क्या कर सकते हैं, वीट से, राइस से और पल्सेस से अलग कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए इम्प्यूरिटीज की वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, हमें निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, इसलिए और क्या है, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसे इजिली देख सके और सेपरेट कर सके. ठीक, आपको ये समझ में आ गया. आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम राइस. हम क्या है, यहाँ पे बोल है और ये राइस दिया हुआ है. तो आपको जैसे ये स्टोन दिख रहे हैं ना, तो आप इस राइस में से स्टोन को सेपरेट कर सकते हो अपने हाथों के थ्रू. तो ये क्या है, ये हम हैंड पिकिंग के थ्रू स्टोन को अलग कर रहे हैं राइस से. अब नाउ थ्रेशिंग, दिस इज अ सेकेंड इन मेथड. थ्रेशिंग द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड. अब थ्रेशिंग का हम क्यों यूज करते हैं, लाइक अगर हमारे पास क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स है, टन्स ऑफ स्टॉक्स है, तो क्या आप उसे अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हो, ग्रेन सीड को अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हो स्टॉक से? नहीं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम थ्रेशिंग मेथड का यूज करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टॉक को पीटते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेन सीड जो था वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है, स्टॉक से.
इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आवर थर्ड वन इज विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अब विनोइंग क्या करता है, विनोइंग सेपरेट करता है हायर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट से, क्या करता है, सेपरेट करता है बाय विंड और ब्लोइंग एयर। लाइक आपने देखा होगा हम हस्ट पार्टिकल को जब सेपरेट करते हैं ग्रेन सीड से तो क्या करते हैं, हम एयर को ब्लो करते हैं या विंड के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। ओके, सो नाउ फोर्थ वन इज सीविंग। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इंप्यूरिटीज रिमेन्स ऑन द सीव। अब सीव क्या करता है, सीव जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं वो उसके होल से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और जो भी इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सीव के ऊपर ही रह जाती हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा जब हम आटा चालते हैं तो क्या होता है, आटा नीचे आ जाता है होल्स के थ्रू, आटा नीचे आ जाता है और जो इम्प्यूरिटीज रहती है वो हमारी क्या होती है, वो चलनी में ही रह जाती है, सीव में ही रह जाती है। एंड यू कैन सी द डायग्राम ऑफ सीव, लाइक हम आटा चाल रहे हैं तो आटा क्या है, वो हमारे नीचे बर्तन में आ गया है दूसरे बर्तन में, और क्या है इम्प्यूरिटीज है वो हमारी सीव पे ही रह गई है। ओके, तो अभी तक हमने कौन कौन से मैथड्स पढ़े सेपरेशन के, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। पर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम हाथ के थ्रू या थ्रेशिंग के थ्रू नहीं सेपरेट कर सकते, उसके लिए हम किस किस मैथड का यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। और फिफ्थ मैथड इज सेडिमेंटेशन। Just see the definition of sedimentation. When the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. ठीक है, sedimentation क्या होता है, जैसे हम मिक्सचर में एड करते हैं वॉटर तो जो हैवियर कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। लाइक आपने अपने घरों में देखा होगा जब भी हमें चावल और दाल को धुलना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा चावल और दाल है वो क्या है, हैवी है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सब क्या होती है, वाटर के साथ ऊपर आ जाती है। देन ये क्या हुआ, जैसे ही चावल सेटल डाउन हो गया इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, और डिकेंटेशन क्या होता है, Now decantation, when the water along with dust is removed, the process is called decantation. अब जो हमारा जो चावल है वो सेटल डाउन हो गया, ये प्रोसेस तो हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब जो हम वाटर, जो इम्प्यूरिटीज के साथ हम वाटर को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, decantation। ठीक है, समझ में आ गया, मीन्स जैसे हमारे पास चावल था हमने उसमें वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, चावल हमारा नीचे सेटल डाउन हो गया बिकॉज ये हैवियर कॉम्पोनेंट है। ओके, देन हम ये प्रोसेस क्या कहलाया, सेडिमेंटेशन। और जो सारी इम्प्यूरिटीज थी वो क्या हो गई, ऊपर आ गई पानी पर, और जैसे ही हमने उस वाटर को सेपरेट किया इम्प्यूरिटीज के साथ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। लाइक आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, सेपरेटिंग टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। लाइक इस मिक्सचर में से सॉइल और वाटर में से हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को सेपरेट कर ले रहे हैं अलग ग्लास से और जो हमारा सॉइल है वो सेपरेट हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहला रहा है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मीन जो कि लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड में से हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। लाइक आपने अपने घरों में देखा होगा जब भी हम जूस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उसकी सीड्स को और उसके पल्प को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं ना, और एक क्या करते हैं, उसके लिक्विड को अलग कर लेते हैं, है ना, और उसके पल्प को और सीड को हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन। इसको हम किसके थ्रू करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं। लाइक हमें जूस बनाना है देन हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू
सीड को और पल्प को सेपरेट कर देते हैं लिक्विड, तो क्या होता है हमारा ये सेपरेट हो जाता है। और टी है, टी से हम टी लीव को और लिक्विड को सेपरेट कर देते हैं स्ट्रेनर के थ्रू। ये भी क्या है, ये भी हमारा फिल्ट्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ विल सी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, जो वाटर का कन्वर्जन होता है वेपर में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, लाइक क्या है, हमने वाटर लिया और उसको हीट पे रख दिया बॉइल होने के लिए, और जैसे ही वो बॉइल हो गया तो वो क्या होता है, वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वाटर हमारा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब क्या है, ये कंडेंसेशन जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है इवेपोरेशन के। इसमें क्या होता है, वेपर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लाइक अभी तक क्या था, हमने वाटर को हीट किया, वो कन्वर्ट हुआ वेपर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही वो वेपर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। आपने जैसे अपने घर में देखा होगा, आपने मान लीजिए वाटर को बॉइल किया और जैसे ही वो बॉइल हुआ वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, देन आप उसको अगर लेट से ढक देते हो, ठीक, लेट से आपने उसको ढक दिया और जैसे ही वो वाटर ठंडा हो गया, देन जब आप खोलते हो लेट को तो आप देखते हो ना ऊपर उसके पूरा लिक्विड आ जाता है, मींस जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो लेट के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारा वेपर था अब वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के फॉर्म में, हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। समझ में आया ना, ये क्या होता है। हम सेम इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं सॉल्ट को सी वाटर से। हम इवेपोरेशन की हेल्प से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं सी वाटर से। लाइक क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सारा वाटर होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के फॉर्म में, और क्या होता है, हमारा जो सॉल्ट है वो सेपरेट हो जाता है। एंड हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं, उस वाटर वेपर को हम क्या करते हैं, कंडेंसर पाइप से जब हम उसको पास कराते हैं तो वो वाटर हमारा क्या हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हमें क्या मिल गया, हमें सॉल्ट भी मिल गया और हमें वाटर भी मिल गया। ठीक है, जिसे हम पी सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब उससे सॉल्ट अलग हो गया है, तो अब वो वाटर तो है जो नॉर्मल वाटर हो गया है, उसमें से सॉल्ट तो हट गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, है ना। और नाउ द नेक्स्ट इज, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंसेस, क्या वाटर में आप कितने भी अमाउंट के सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं। लाइक आप क्या करते हो, आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, अगर आप उसमें एक चम्मच चीनी डाला, दो चम्मच, तीन, चार, पांच, पांच चम्मच चीनी डाला, तो क्या हो जाएगा, आप जैसे इसको डिजोल्व करते जाओगे ना, कुछ टाइम तक तो वो डिजोल्व होता जाएगा, लेकिन एक अमाउंट के बाद क्या होगा, चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। जो अमाउंट के बाद शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाता है, देन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन की कंडीशन। अब क्या होता है, जो हमारा वाटर था उसमें इतना ज्यादा अमाउंट में शुगर हो गया है कि अब क्या है, अब वो डिजोल्व नहीं कर सकता है शुगर को। ओके, देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन। सेम एज आप एग्जांपल लेते हैं, लाइक आप वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हो तो क्या होता है, मान लीजिए एक चम्मच आपका सॉल्ट डिजोल्व हुआ, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, बट एक अमाउंट के बाद क्या होगा, आपका जो सॉल्ट है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। देन जैसे आपका सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाती है, सेचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, सेचुरेशन। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू क्लास, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।